Welcome to SciEase. In this video, I'm going to describe frequently asked questions of chapter Conservation of Plants and Animals. Now, first is fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat, they are called wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. Okay. Species found only in the particular area, they are known as endemic species. Next one, migratory birds fly to faraway places. क्यों वो faraway places पे चले जाते हैं? Because of the climatic changes. Climatic changes. Okay. Now second question is differentiate between zoo and wildlife sanctuary. अभी मैंने आपको बताया कि wildlife sanctuary क्या होता है, जहाँ पे animals they are protected in their natural habitat. लेकिन zoo क्या होता है? Zoo वो place है जहां पे animals को रखा जाता है, लेकिन वहां पे उनको natural habitat provide नहीं किया जाता, उनको जैसे कैद नहीं करना होता, ठीक है? और वहां के animals उतने फिर उनको क्योंकि natural habitat नहीं मिलता, ठीक है, तो वो कैसे हो जाते हैं? थोड़े लथार्जिक हो जाते हैं, वो उतने एक्टिव नहीं रहते. सेकेंड वन इज एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज. एंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है? वो वाली स्पीशीज जिनको कि खतरा है कि वो खत्म ना हो जाए, जैसे कि चीता, लियोपार्ड वगैरह. आपको बताया है कि इनका नंबर बहुत ही कम रह गया है, इसलिए इनको क्या नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जाता है, कि उनको कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. और एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी हैं? वो स्पीशीज हैं जो कि खत्म हो चुकी. ओके, जैसे डायनोसॉर्स, ये खत्म हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कभी थे, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोनों टर्म्स है. नेक्स्ट वन इज फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा क्या होता है? The plants of the particular area, they are known as flora, and animals of the particular area, they are known as fauna. ठीक है, इस तरह से wildlife sanctuary, national parks में भी difference आ सकता है, wildlife sanctuary, biosphere में भी difference आ सकता है. तो आपने सारा lesson अच्छे से, बहुत ही अच्छे से read करना है और learn करना है जितनी terms हैं, ताकि कुछ भी पूछा जाए आप उसका answer दे सकें. Now there are some reasoning questions also. What will happen if we go on cutting the trees? अगर हम trees deforestation करते जाएंगे तो क्या होगा? एक तो natural habitat हो गया खत्म, wildlife का natural habitat खत्म. दूसरा, जो percentage of carbon dioxide environment में वो बढ़ जाएगी, okay? और oxygen की percentage कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स है ही नहीं है वहां पे, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल इंक्रीज इन द एनवायरनमेंट. और क्या होगा? कटिंग करेंगे तो सॉइल एक्सपोज हो जाएगी, और जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, वो या तो पानी से बह जाएगी या हवा से उड़ जाएगी. तो सेकेंड जो रीजनिंग क्वेश्चन वो ये, व्हाट विल हैपन इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज्ड. If this is exposed, it soil जो है topmost layer that will either flow with rainwater और हवा से ये उड़ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगी? Barren land रह जाएगी, उपजाऊ जो layer है जिसको हम humus बोलते हैं वो वहां से खत्म हो जाएगी. Next है, what will happen if the habitat of animal is disturbed? अगर हम हैबिटेट एनिमल का डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होगा? कि एनिमल्स इधर उधर भागेंगे, फॉर वांट ऑफ फूड, उनको फूड नहीं मिलेगा, एंड दे विल, दे कांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एंड दे विल डाई. सो इस लेसन में बहुत सारी टर्म्स हैं,
ठीक है, वो टर्म्स आपको पता है कि बायोस्फीयर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, फ्लोरा फौना, माइग्रेशन, रेड डेटा बुक, ये सारी की सारी आपने डेफिनेशंस अच्छे से करनी है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आइदर डिफरेंस क्वेश्चन आ सकता है, कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, या डेफिनेशन आ सकती है। बाकी जो पेपर के बारे में है कि व्हाई वी शुड कंजर्व और व्हाई वी शुडंट वेस्ट पेपर, वो मैंने आपको बताया था कि 17 टॉल ट्रीज से एक टन पेपर बनता है, इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना। तो आपको बताया था कि कैसे उसको 3R जो फॉर्मूला है वो आपको बताया गया है, आपने उसको अच्छे से लर्न करना है। सो विद दिस माय चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज फिनिश्ड। आई विल कम with another chapter of class 8 in my next video. Till then, thank you very much.